भिवानी कांड पर बोले ओवैसी, बीजेपी और पुलिस पर साधा निशाना, पुलिस से पूछे तीखे सवाल। मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये जो वाकयात और इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस की मदद करती है, इनको ताकत देती है और इस ऑर्गेनाइजेशंस की बीजेपी सरपरस्ती करती है। इसीलिए पुलिस और प्रशासन जो है फौरन उन पर एक्शन नहीं लेती है। और अफसोस की ये बात है कि राजस्थान में, अगर राजस्थान की सरकार, जिस वक्त ये कंप्लेन की गई जुनैद और नासिर के बारे में, फौरन हरकत में आ जाती तो शायद ये लोग राजस्थान के बॉर्डर को छोड़ भी नहीं सकते थे। मानेसर से 150 किलोमीटर का सफर तय करके आना और यहाँ पर इन दोनों बच्चों को किडनैप करना, फिर उनको बेतहाशा उनको मारना और फिर उनकी जली हुई लाश और जली हुई गाड़ी मिलना, ये दर्दनाक वाकया है। ये सिर्फ मुसलमानों का या मेवात के मेव मुसलमानों का इशू नहीं है, ये एक तमाम जो लोग रूल ऑफ लॉ पर भरोसा रखते हैं, संविधान पर भरोसा रखते हैं, उनको सोचना चाहिए। और अगर बीजेपी इसी तरह से हरियाणा की सरकार इनकी मदद करती रहेगी, इनकी सरपरस्ती करती रहेगी, तो ये तो ठीक नहीं है। चंद दिन पहले वो जो शख्स का नाम FIR में आया है, वो कासिम पर गोली चलाता है, YouTube पर उसका वीडियो है, गोली चला रहा है और कासिम जख्मी होता है, 12th स्टैंडर्ड का बच्चा है, FIR में नाम आता उसको गिरफ्तार नहीं करते और वो वीडियो पे वीडियो जारी कर रहा है। फिर एक वारिस नाम का एक लड़का था, जो तीन लोग गाड़ी में एक्सीडेंट हुई, फेसबुक पर लाइव टेलीकास्ट कर रहा है, वारिस के मुंह से खून बह रहा है, बाद में वारिस की मौत हो जाती है तो पुलिस कहती है एक्सीडेंट में मौत हुई, परिवार कहता है कि नहीं उसको मारा गया, फेसबुक पर लाइव चलाया गया, वारिस को दिखाया जा रहा है। भाई कोई इंसान की भी कोई इज्जत होनी चाहिए ना, ये लोग है कौन? क्या ये प्रधानमंत्री बन चुके हैं देश के, या फिर किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, या DGP बन चुके हैं लोग, या DM बन चुके हैं, कि इनके हाथों में हथियार हैं, अपने हथियारों की फोटो डालते हैं, लाइव टेलीकास्ट फेसबुक पर करते हैं, यूट्यूब पर ये तमाम आतंक को डालते हैं। ये तो सरकार को सोचना चाहिए, सरकारों को। अगर आप इस तरह से, ये जो लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं, इनको अगर आप नहीं रोकेंगे तो फिर ये तो देश के लिए खतरा बन जाएंगे और खतरा बन चुके हैं लोग। इस प्रकरण में जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है, उन्होंने आपका लेना देना नहीं बताया कि संगठन से कोई लेना देना नहीं। जिस व्यक्ति का इस FIR में नाम आया है, इस मामले में नाम आया, उसने कहा कि हमारा कुछ लेना देना नहीं, मैं उनको जानता नहीं, इस संबंध इससे मेरा कुछ नहीं। FIR में जब नाम आया है तो राजस्थान की सरकार को, हरियाणा की सरकार को उसको गिरफ्तार करके अपनी कार्रवाई करने की जरूरत है। आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे उसको? कासिम के जो गोली मारी गई उसमें उसका नाम है और उसके फेसबुक पर बड़े बड़े लोगों के साथ तस्वीर हैं, फोटोज हैं, मगर कम से कम गिरफ्तार तो करिए, मालूमात तो हासिल करिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस्माइल का नाम सुना होगा आपने, जो शायद जुनेद या नासिर के रिश्ते के भाई हैं, उन्होंने कहा है कि ये जख्मी हालत में इन दोनों को पुलिस के पास लेकर गए, पुलिस ने इनकार कर दिया इनको लेने के लिए, तो बाद में मालूम हुआ कि इनकी जली हुई लाशें मिली हैं। ये नासिर का कहना है, मेरा नहीं है, नासिर ने कहा आपको मीडिया को। जी ओवैसी साहब, मैं उसी बात को आपसे सुनना चाह रहा था। आपने कल भी ये कहा कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने देरी की, लेकिन अगर पूरी घटना की तफसील को अगर आप देखें तो हरियाणा थाने में ये तमाम लोग पहुंचते हैं घायलों को लेकर, हरियाणा की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, दूसरी तरफ परिवार वालों ने FIR लगभग 16 घंटे बाद कराई और तब तक हरियाणा पुलिस इत्तला कर चुकी थी राजस्थान पुलिस को कि दो लोग हैं आपके और इस तरीके से घायल हैं। तो ऐसे में राजस्थान सरकार अगर मुआवजा दे रही है तो आपको लगता है कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार की गलती आपको लगी या केवल हरियाणा पुलिस अगर तत्परता से कार्रवाई करती? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, उस पीड़ित परिवार के एक शख्स इस्माइल का वीडियो है जिसमें उन्होंने जाकर राजस्थान के मुकामी पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवाई और उनको बताया कि देखिए ये मिसिंग है और फुलां ढाबे से इनको किडनैप किया गया है। अगर उस वक्त वो प्रशासन हरकत में आ जाता, राजस्थान की सरकार, तो शायद वो बॉर्डर भी ना छोड़ पाते राजस्थान का और उनको उसी वक्त रोक लिया जाता, उन बच्चों की जान को बचाया जा सकता था। या आप तो बात की बात कर रहे हैं, या बात की बात कर रहे हैं। अगर उनको वहीं पर उनकी कंप्लेन पर सीरियसली उसको गौर किया जाता, उस पर एक्शन लिया जाता, तो आप
बॉर्डर को बंद कर सकते थे, जस्ट सीजर कर सकते थे, आप उनका लोकेशन मालूम कर सकते थे, मगर आपने देरी कर दी। आपने कहा कि छोड़ो ये होता रहता है, नतीजा देख रहे हैं कि आज वो नौजवान बच्चे अपनी जान खो दिए।